गुरुग्राम में रविवार सुबह अचानक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर की स्लैब गिर गई है। द्वारका एक्सप्रेसवे पर बन रहे एलिवेटेड फ्लाईओवर की स्लैब गिर गई, जिसमें 3 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना सुबह करीब 6 से 7 बजे के बीच की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि धमाके की आवाज़ सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने ही फ्लाईओवर की स्लैब गिरने की प्रशासन को सूचना दी। दौलताबाद और बजघेड़ा के बीच बन रहे फ्लाईओवर की स्लैब गिरी है। यह हादसा गुरुग्राम से दिल्ली द्वारका तक बन रहे एलिवेटेड फ्लाईओवर पर हुआ है। फ्लाईओवर की स्लैब गिरने से आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार पुलिस ने बताया कि इस हादसे में 3 मजदूर घायल हो गए हैं जो वहां काम कर रहे थे। घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जैसे ही हमें सूचना मिली तुरंत मौके पर आई है पुलिस, सिविल डिफेंस भी आ गई है। और अब तक की जो जांच आई है, जो हमें जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, कॉन्ट्रैक्टर है जो बना रहे हैं, इसमें 3 आदमी इंजर्ड हुए हैं जिनको हॉस्पिटलाइज कराया गया। बाकी अभी टीम आ रही है, जैसे ही कार्रवाई की जाए। सर नहीं, अभी तक प्राइवेट ऐसी कोई भी सूचना नहीं है। सिर्फ 3 आदमी इंजर्ड हैं जिनको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। इसका क्या? तो अभी पुलिस आई है मौके पर, सारी जाँच करेंगे, इंजीनियर्स आएंगे, इनकी टीम आएगी, इंस्पेक्शन टीम आएगी वाली, अकॉर्डिंगली जो भी कानून अनुसार कार्रवाई करेंगे। बीते दिनों केंद्रीय परिवहन मंत्री ने द्वारका एक्सप्रेसवे का निरीक्षण का काम तेजी से लाने के आदेश दिए थे। इससे पहले सोहना रोड पर बन रहा एलिवेटेड फ्लाईओवर की स्लैब गिर गई थी। इसके बीच की घटना है, एकदम से धमाका हुआ था, बहुत तेज धमाका हुआ था। और जैसे मैंने नियर आके देखा तो ये क्रेन कोलैप्स हुई हुई थी। जैसे भी यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ उस दौरान इसमें दबे हुए थे क्या था सर? इसके बारे में आइडिया नहीं, वैसे 2-3 आदमी इंजर्ड हुए हैं बेसिकली। आप लोगों ने क्या किया, पुलिस को फ़ोन किया? पुलिस को फ़ोन किया सर, आसपास जो भी थे, जो पब्लिक थी, जनरल पब्लिक को हटाया हमने यहाँ से, थोड़ा दूर किया उनको रोड से, और जो साइड थी जहाँ इंसिडेंट हुआ था वहाँ से उनको थोड़ा थोड़ा दूर कर दिया। और इतने में पुलिस आ गई थी सर, फिर पुलिस ने टेक ओवर कर लिया, पुलिस और हमारे मिल के लोगों को दूर कर दिया। सर NHA वाले मैंने नहीं देखे सर, बाकी यहाँ आ गई थी सर। हुआ था लगभग मॉर्निंग में जो ये फ्लाईओवर कोलैप्स हुआ है, इसकी रिपोर्ट जैसे जनरेट हुई तो हमने पुलिस कंट्रोल रूम में लाइजन किया। SDRF की टीम जो भोनसी से है उसको डिस्पैच कराया हमने, जो मौके पे है, और जो बाकी और ऑफिसर्स हैं वो भी मौके पे एक बार मायना कर चुके हैं। अब सबसे बड़ा टास्क हमारा ये है कि इस समय लाइफ सर्च जो है वो एक मेजर पार्ट है, कि जो इंजर थे वो तो हम बाहर निकाल चुके हैं। 3 की रिपोर्ट है हमारे पास अभी, अभी सर वो लाइफ सर्च का रेस्क्यू चलेगा ऑपरेशन, उसके बाद एक बार। सर 3 जो जख्मी हुआ है, कितना जख्मी है? 2 माइनर है, एक थोड़ा सा बैक पेन का उसका इशू आ रहा है, वो एक बड़ी उसका चेकअप होएगा तो वहाँ से अपडेट आएगा। हाँ जी, किस कॉन्ट्रैक्ट का ये काम था? और ये LNT का बताया है, और कहीं ना कहीं तो कोई ऐसी टेक्निकल इशू रही है जिसकी वजह से कैप्स हुआ है, बट वाकई इस चीज़ को थोड़ा सा देखने वाली इम्पोर्टेंस है, जरूरत है, ऐसा हादसा क्यों बार बार गुड़गांव में हो रहा है। मुझे लगातार दूसरा हादसा गुड़गांव का जी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, अभी NHI की टीम जो आएगी वो फाइनल उस पर अपडेट्स करेगी क्या वो एक्शन प्लान कर रहे हैं उसका। कौन कौन सी टीम अभी आ चुकी है बचाव कार्य के लिए? अभी सिविल डिफेंस की टीम है, पुलिस की टीम है, और एडमिनिस्ट्रेशन गुरुग्राम है वो पहुंच चुका है, और SDRF है हमारे यहाँ पे, और अभी NDRF की हम एक डॉग स्क्वाड टीम और बुलाई हमने, ताकि थोड़ा सा जो लाइफ सर्च है वो जुड़ी उसकी।